राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि इस खेल में कोई लाइफ टाइम दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई ताउम्र दोस्त होता है। ये सब चीजें सिर्फ अच्छी और बुरी परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। और अभी ये कहावत पावर स्टार पवन सिंह और बीजेपी पर एकदम 100 आने सटीक बैठती है, क्योंकि कहां एक वक्त पवन सिंह बीजेपी के आसनसोल से प्रत्याशी थे, लेकिन आज वक्त ने ऐसी करवट मारी कि वो बीजेपी से बगावत कर काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी बने हुए हैं, जिसके कारण पवन सिंह और बीजेपी के रिश्तों के बीच काफी हद तक खटास आ चुकी है, जिसका कारण दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ बयानबाजियां हैं। जहां एक तरफ बीजेपी चाहती है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव नहीं लड़ें, वरना उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह इस बार किसी भी कीमत पर अपनी मां के सपने को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि अगर पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो वो बीजेपी में मिलेंगे और क्या उन्हें बीजेपी मिलाएगी, ये दोनों अलग अलग सवाल है। लेकिन जब पवन सिंह से ये इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी में मिलेंगे, जिस पर पवन सिंह का एक ही जवाब था, मैं ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करता, कुछ बातें कुछ डिसीजन वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, हर चीज उजागर करना सही नहीं होता। अब पवन सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन एक बात तो तय है, पवन सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर कर चुनाव लड़ने की हट के कारण बीजेपी और पवन सिंह में पहले जैसे रिश्ते नहीं रहेंगे। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।